इस प्रार्थना के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, जिला स्तरीय युवा डायरेक्टर के 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन सत्र है। और इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं हमारे बीच प्रोफेसर रणदीप राणा जी, 2004 के साथ महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय डॉक्टर यूथ डायरेक्टर के कार्यक्रम संयोजक और अधिकारी हैं और लगातार इस डायरेक्टर से जुड़े हुए हैं और समाज सेवा के कार्यों में अपना योगदान देते हैं। आपके अविस्मरणीय कार्यों के साथ आपको हमेशा याद किया जाएगा। और इस सभागार में आपका अग्रवाल महाविद्यालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं। स्वागत है प्रशिक्षण शिविर के संरक्षक और महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कृष्णकांत गुप्ता जी का, जिन्हें हाल ही में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ सराहनीय कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया 2004 में। और उनके नेतृत्व और दिशा निर्देशन में लगातार ऐसे कार्यों और समारोहों का आयोजन किया जाता है, उनका इस प्रशिक्षण शिविर में विशेष स्वागत है। उन्हीं के कार्यों का, प्रयासों का सुखद है कि जैसा हम देख पा रहे हैं, हमारी नई उपलब्धि कॉलेज को A++ ग्रेड मिला है। और इस प्रकार अग्रवाल महाविद्यालय भारत का पहला ऐसा एडिड कॉलेज बन गया है जिसे इस श्रेष्ठता का लिए जो प्रतिमान मिला है। इसके प्राचार्य जी हैं और साथ ही स्वागत है अग्रवाल महाविद्यालय और अन्य महाविद्यालयों से इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने आए सभी वॉलंटियर्स तथा उनके साथ सारे उनके प्रोग्राम ऑफिसर्स का और अपने ही कॉलेज के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जयपाल जी का, डॉक्टर सुभाष जी का और डॉक्टर के जी का। और विशेष स्वागत करना चाहूंगी श्री दर्शन खाटिया जी का और रतन सिंह आजाद जी का, जो अपने प्रेरक संबोधनों से वॉलंटियर्स में ऊर्जा का संचार करते हैं। अब विशिष्ट क्षण जिसमें एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति दूसरे विशिष्ट व्यक्ति का स्वागत करेंगे पौधा देकर, तो मैं अनुरोध करना चाहूंगी प्राचार्य महोदय से कि वे हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय को ये पौधा भेंट कर उनका स्वागत और सत्कार करें। ये पौधा जीवंतता का प्रतीक और संबंध जीवंत बने रहें इसी कामना के साथ। और अब मैं YRC कैप पहनाने के लिए यहाँ वॉलंटियर्स को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे डायस पर सम्मानीय अतिथि विराजमान हैं, प्राचार्य जी हैं, उनको YRC कैप पहनाकर उनका विशेष सम्मान करें। स्वास्थ्य सेवा और मैत्री, इसका प्रतीक है। धन्यवाद। और आप बताना चाहूंगी मंच पर प्रार्थना गीत के लिए सभी और अंजु को जो अग्रवाल महाविद्यालय की छात्राएं हैं। पर
ये ज्योति पर्व है, शांति पर्व है और सेवा पर्व है, इसका संदेश इस प्रार्थना गीत में वॉलंटियर्स ने दिया। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिविर का उद्देश्य स्वास्थ्य और स्वच्छता की जागरूकता को बढ़ावा देना है, और हम सब जानते हैं कि स्वास्थ्य और स्वच्छता का चोरी दामन का साथ है। अभी कहा भी गया है, सब रोगों की एक दवाई चारों ओर रखें सफाई। मैंने रखो नहीं कहा, रखो तो मतलब मैं ना रखूं और आप रखें, तो हम सब सफाई रखें, उसी में एकता निकलेगा। अपनी अपने आसपास की गली मोहल्ले शहर और पूरे देश में स्वच्छता होगी, तभी तो डेंगू मलेरिया पीलिया टाइफाइड जैसी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। और यहाँ वैसे जितने भी प्रशिक्षु हैं, ट्रेनिंग हैं, जो ट्रेनिंग देने आए हैं, वे वास्तव में स्वच्छता दूत का काम करेंगे और पूरे समाज में इस संदेश को फैलाएंगे, जो 5 दिनों में उन्हें ट्रेनिंग मिलेगी। और इसी के साथ मैं बहुत ही आदर के साथ प्राचार्य महोदय को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वे अपने उद्गारों से हम सबको अभिनंदन। पांच दिवसीय YRC जिला प्रशिक्षण शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान आदरणीय प्रोफेसर रतीम राणा जी, शिविर के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जयपाल सिंह जी, रतन सिंह जी, प्रशाला जी, दूसरे महाविद्यालय और मेरे महाविद्यालय के अन्य YRC काउंटर्स एवं YRC वॉलंटियर्स। सबसे पहले मैं अग्रवाल महाविद्यालय परिवार की तरफ से आज के मुख्य अतिथि श्री रणदीप राणा जी का महाविद्यालय प्रांगण में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। समाज सेवा से तो ये विद्यार्थी काल से ही जुड़े रहे हैं, क्योंकि ये बहुत स्वभाव की बात होती है कि जिस संस्था में आप पढ़े उसी संस्था में आप पढ़े, ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। लेकिन वो खुश नसीब है कि जिस संस्था से उन्होंने अपने हायर एजुकेशन की उसी संस्था में उसको दे रहे हैं, वापस दे रहे, गिविंग बैक टू द सोसाइटी। बहुत सक्रिय रहे हैं समाज सेवा के कार्यों में। किसी भी संस्था की तरक्की में 5-7 लोगों का बहुत विशेष योगदान है। तो मैडम ने हमारे कॉलेज के बारे में तो बता दिया कि 1+ और 3.57, लेकिन ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो विश्वविद्यालय जिससे हम संबद्ध हैं, जिससे हमारा कॉलेज अफिलिएट है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, वो भी देश में किसी विश्वविद्यालय से कम नहीं है। बहुत हाल ही में वहां पर भी नेता इंस्पेक्शन हुआ था हमसे कुछ रोज पहले, कुछ महीने पहले, तो हमारे विश्वविद्यालय को भी 1+ विद CGPA 3.44 मिला, जो अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। और उस 3.44 को लाने में, जैसे 3.57 में सभी आप जानते हैं कि यदि गिनती के रूप में तो 5-7 नाम जरूर आएंगे, ऐसे यदि विश्वविद्यालय का 3.44 लाने में यदि नाम गिने जाए और यदि 5 नाम लिए जाए तो उसमें एक नाम प्रोफेसर रणदीप राणा का। जो किसी भी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए मेटिकुलस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। आपकी तैयारियां बहुत अच्छी है,
लेकिन आप यदि उसको एक प्लानिंग के तहत एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं तो जो इच्छित परिणाम है वो नहीं मिलता। ही वाज वन ऑफ द प्लानर इन द यूनिवर्सिटी एंड दे एंश्योर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्लानिंग। That's why they would get the prestigious grade A plus with 3.4. और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हम उस विद्यालय से एफिलिएट हैं। यूथ एंड रॉक को नई चीज नहीं है, बहुत पुरानी है। सरजीव नदी जुनर जिनकी प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है, हमने पटपाल जी भी अर्पित की, ये इसके जन्मदाता है। इनके मन में कोई चीज थी लोगों की के दुख को, लोगों के दर्द को देख करके, और ये अकेला आदमी था जिसने उनकी सहायता करने का प्रण लिया और फिर ये आंदोलन बन गया, एक मूवमेंट बन गया जो वहां से चल करके पूरे विश्व में छा गया। और आज कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर वाईआरसी की एक्टिविटी ना होती है। यूनिवर्सिटी में भी वाईआरसी पहले से ही है, बहुत सारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर आते हैं चले जाते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो प्रोफेसर रणदीप राणा जी को इसका कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, जो वाईआरसी का यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर, बहुत पुरानी बात नहीं है। इनको चार्ज दिया गया तो बाई चांस करने कुछ सोच के दिया हो, क्योंकि मैं हमेशा अपने अध्यापकों से और बच्चों से कहता हूं क्वालिटी इज नॉट ए डेस्टिनेशन, कि यहां पर जाकर के आप रुक सकते हैं। इट इज ए जर्नी विच नेवर एंड्स। इनके पीछे वाईआरसी कोऑर्डिनेटर थे, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर राधे श्याम, उनके काल में भी वाईआरसी ने बहुत प्रोग्रेस की। लेकिन ये ऐसी चीज है जिसमें सैचुरेशन कभी आती नहीं है, लेकिन आदमी करते करते कंप्लेसेंसी आ जाती है उसमें कि अब हो चुका जितना होना था। तो मुझे लगता है किसी साहब के दिमाग में ये बात सही होगी कि अब किसी एक ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति को इसका चार्ज दिया जाए जो इसमें फर्दर कुछ गुणवत्ता और ऐड कर सके। मुझे लगता है इसी उद्देश्य से विजी साहब ने प्रोफेसर रणदीप राणा जी को इसका कोऑर्डिनेटर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर बनाया। और इस थोड़े से समय में जिस तरह की एक्टिविटीज विश्वविद्यालय ने आयोजित की है, चाहे वो ब्लड डोनेशन को लेकर के हो, चाहे वो और एक्टिविटीज हो जो यूनिवर्सिटी लेवल पे और स्टेट लेवल पे ऑर्गेनाइज हुई, और जिस तरह से इन्होंने पर्सनल इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखाई, यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर कमी कौन करते हैं क्योंकि उनके नीचे बहुत सारा काम होता है, लेकिन ही इज द पर्सन हु टेक पर्सनल इंटरेस्ट इन द एक्टिविटी एंड पर्सनली ही कॉल्स द पोटेंशियल कॉलेजेस कि भी आपने बच्चे भेजने हैं। और फिर जब ये कहें तो मतलब ही पैदा नहीं होता कि इनकी बात ना मानी जाए। तो आप ही सब जानते हैं, सुभाष बैठे हैं, लोकेश बैठे हैं, कि जब भी इनका बढ़ावा आता है तो जब सब बच्चे वहीं भेजने पड़ेगा विश्वविद्यालय के एक्टिविटीज में भेज, और भेज करके जब मैं फीडबैक लेता हूँ अपने काउंसलर से और वॉलंटियर से तो यह एक्सट्रीमली हैप्पी, इसका कुछ परिवर्तन तो नजर आता है और वो होना भी चाहिए। तो मैं समझता हूँ प्रोफेसर रणदीप राणा की अगुवाई है और इनके वाइस चांसलर प्रोफेसर राजवीर सिंह की रहनुमाई में जो यूनिवर्सिटी का वाईआरसी का विंग है वो आकाश की ऊंचाइयों को छुएगा, और जो काम पिछले कार्यकाल में कुछ अधूरे रह गए होंगे निश्चित रूप से उनकी पूर्ति होगी। और यूनिवर्सिटी का वाईआरसी एमडी यूनिवर्सिटी जो है वो केवल राष्ट्रीय पटल पर नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी परिलक्षित होगी, ऐसा मेरा मानना है। हमारे महाविद्यालय से बहुत इनको प्यार है, बहुत लगाव है, और ये बहुत सम्मानित हैं हमारे महाविद्यालय का। आज मीटिंग थी यूनिवर्सिटी में पर मैंने जिद कर ली, मैंने कहा नहीं आपने आना, आप मीटिंग चाहे आफ्टरनून में पोस्टपोन करो, चाहे आप मीटिंग से आज छुट्टी लो, बट यू हैव टू कम एंड ब्लेस आवर वॉलंटियर्स।
मेरी बात को आपने स्वीकार किया, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और टाइम का प्रबंध में युवा देर का ऑफिस में आइवर छोड़ दिया, आइवर नहीं, क्योंकि हमने इसको पैसा भी बुलाया था, पर जी सच्चे पत्र और एक 8 बजे चल पड़े लॉग इन पे बोले जा रहे, क्यों? ताकि आप लोगों को इंतजार न करें। और बड़ा एक आदमी है, अभी पता नहीं कितने काम लिस्ट में होंगे, फिर उनको भी लगता है यहाँ से फ्री हो तो यूनिवर्सिटी पहुंच के और काम करो। एंड ही हैज हिज ओन रेपुटेशन इन इंडियन इंडिया यूनिवर्सिटी एंड बेसिकली ही बिलोंग्स टू इंग्लिश डिपार्टमेंट। इंग्लिश डिपार्टमेंट से है जो आने वाले एक दो वर्षों में आप करिकुलम में पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया में कुछ आंदोलन जो परिवर्तन होने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी की जो कोर टीम है आप उसके भी सदस्य हैं, हम कार्यालय में बैठे हुए डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या चेंजेस इन द टाइम टू कम होने जा रहे हैं। अब यदि उसको एज एक्सेप्ट करते हैं और उनको कॉलेज में उस तरह की सुविधाएं क्रिएट करके एग्जीक्यूट करते हैं तो मैं समझता हूँ डेफिनेटली पढ़ने और पढ़ाने के मायने बदल जाएंगे। ये कैंप है, 5 दिन का कैंप है, यदि इसमें मैं आजादी जी का और रतन सिंह जी का और रतन लाल जी का जिक्र ना करूं तो मेरा वक्तव्य अधूरा रह जाएगा। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि YRC की कोई भी एक्टिविटी फरीदाबाद में हो और ये दोनों ना हो तो वो एक्टिविटी अधूरी है। मैं विशेष आभार आप दोनों व्यक्तियों का करना चाहता हूँ, बोथ आर वेरी यंग ओल्ड मैन, उम्र पे मचाना है इतनी, दे आर मोर एनर्जेटिक देन मी पीपल एंड सो कमिटेड टू YRC कि जब भी हम आपको याद करते हैं तभी आप हमारी सहायता के लिए यहाँ पर हाजिर हो जाते हैं और आपसे बिना पूछे हम ये प्रोग्राम भी रख देते हैं। बस आपको शाम को रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि आप आ जाना, आप आ जाते हैं इसके बीच में। दूसरे कॉलेज से आए हुए YRC वॉलेंटियर्स और काउंसलर का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि यदि आप नहीं आएंगे, आपके बच्चे नहीं आएंगे, इसका जो डिस्ट्रिक्ट का स्वरूप है, डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग है, उसका मतलब नहीं रह जाता है। तो मैं सारे YRC काउंसलर्स का और उनके प्राचार्य महोदयों का भी जिन्होंने आप लोगों को हमारे यहाँ पर भेजा है ट्रेनिंग देने के लिए, उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और एक चीज मैं सारे वॉलंटियर से चाहूंगा बेटा कि अनुशासन में रहना। 5-7 दिन से तो पता नहीं क्या हो गया, देश में अखबार में कुछ ना कुछ हो ही आ रहा है, तो प्लीज अनुशासन में आप रहें। और आप गुरुग्रहों से अलग हैं, ये कैब कहना आसान काम नहीं है। मेरे यहाँ 5,000 बच्चे हैं, केवल 150 बच्चों को अधिकार है ये कैब कहने का। और ये जो सिंपल है ना, ये तो बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति कह सकते हैं। इवन YRC के संदर्भ करके डॉक्टरों से यहाँ से भी रखवा दिया, पहले डॉक्टर लगाते थे इस सिंपल को, बोला नहीं तुम इस लाइन में और उनको हटाना पड़ा, लेकिन आप इस लाइन में। तो इसको कहते हैं जब घर में किसी की डेथ हो जाती है तो 12 दिन पगड़ी बनती है ना, तब जानते हो बच्चे भी आपको वो क्या है, वो आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं कि तुम इस घर के सबसे बड़े हो, अब आपके पास ऊपर जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा है, तो आपको अच्छे से क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है, डू एंड डोंट वो समझ लेने। तो ये कैप पहनते ही आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि आपने क्या करना है और क्या, क्योंकि एक आम विद्यार्थी यदि कुछ कर देता है तो उसको माफ किया जा सकता है, लेकिन यदि YRC वॉलंटियर कुछ कर दे तो सामने वाले की पूछता है YRC वॉलंटियर ने उसने काम कर दिया, अक्षम्य अपराध है। मेरी गुजारिश है आप सबसे बेटे और बेटियों से जो वॉलंटियर के रूप में कैंप में आए हैं या पूरे अनुशासन में रहे और जिस उद्देश्य के साथ शिक्षण शिविर को लगाया गया है, मैं आपको एक चीज अश्योर करता हूँ कि 5 दिन में जो भी स्पीकर आएंगे, जो भी ट्रेनर आएंगे, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवेलेबल है, वो हमने अरेंज किए हैं। तो निश्चित रूप से आप 5 दिन में आपका व्यवहार, आपका आचार, आपकी सोचने की शक्ति, ये सब ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन वो तभी होगा जब आप अनुशासन में रहें, टाइम से आकर के हॉल में बैठें और पूरे सेशन को अटेंड करें। उसके अलावा जो और एक्टिविटीज है
हैं, चाहे खेलने की है, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, उनमें भी पार्टिसिपेट करें। मैं एक बार दोबारा भी आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर रणदीप राणा जी का, बाहर से आए हुए वाईआरसी काउंसलर का, रतन सिंह जी का, दक्षिण लाल जी का, अपने वाईआरसी काउंसलर का और सभी प्यारे प्यारे और ऊर्जा के भरपूर वाईआरसी वॉलंटियर का अपनी तरफ से, अपनी मैनेजमेंट की तरफ से, पूरे अखबार महाविद्यालय परिवार की तरफ से एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि पांच दिवसीय जिला प्रशिक्षण शिविर जिस उद्देश्य से लगाया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति निश्चित रूप से हो और आप सभी लाभान्वित होकर के खुशी खुशी अपने अपने महाविद्यालय जाते भी आ पाए हैं। बहुत मीठी और अच्छी यादें लेकर के यहाँ से लौटें ताकि इस महाविद्यालय को आप काफी दिनों तक याद रखें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आचार्य महोदय आपके इस मार्गदर्शन के लिए, और आपने बताया विशेष लोगों को भी अधिकार है इस कैप को पहनने का, तो निश्चित रूप से। और मैं अभी इसमें एक चीज जोड़ना चाहूँगी, विशेष को जो अधिकार मिल गया है पहनने का, तो उन विशेष से विशेष अपेक्षाएं भी हमारी बढ़ जाती हैं। तो मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ आचार्य जी ने जैसा कहा, हम सब अनुशासन में रहकर इन पांच दिनों में बहुत कुछ सीख पाएंगे और क्या करना है, हमें किस तरह से करना है, उसके लिए अब मैं ऋतु को बुला रही हूँ ओम सेरेमनी के लिए कि वो शपथ दिलवाए। ऋतु थोड़ी बात अपनी कनेक्ट करूं।
शीज एट दी शीज अल्फाबेटल है उनके तीन शी लाइफ के अंदर मेरे फादर ने मुझे बहुत पहले सिखाए और मैं अपने जितने स्टूडेंट्स उन सभी के साथ ये हर प्लेटफॉर्म पे शेयर करता हूँ। एक सी होता है बेटा करेज, एक सी से बनता है कमिटमेंट और तीसरा सी होता है कंपैशन। बहुत आसान है ये शब्द बोल देना, करेज कमिटमेंट कंपैशन। क्योंकि आप वाई आर सी वॉलंटियर्स हो, जैसा अभी गुप्ता जी ने बताया प्रिंसिपल साहब ने, ये जो कैप ये जो स्टाफ और ये जो होगा आपके पास है ये देवी शक्ति भी है इसके अंदर। और वो शक्ति क्या चीज है उसकी बात मैं कंपैशन से करता हूँ और एक विश्वास से करता हूँ। दो शख्सियत विश्व के अंदर मानी गई है कलर अफगान, एक एडॉल्फ हिटलर, उनका नाम सुना है ना सबने हिटलर, तो दूसरे अब्राहम चर्चिल, सॉरी अब्राहम लिंकन, विंस्टन चर्चिल, अब्राहम लिंकन। अब अगर हम मार्क्स देना शुरू करें, 10 में से क्राइटेरिया वाइज, तो आप ये देखो कि जहां तक करेज की बात है और एक स्किल्स की बात है, मोटिवेट करने की बात है, तो हिटलर को आप 10 में से कम कितने नंबर देंगे? 8 से कम 9 से कम देंगे। करेजियस, करेजियस है ना वो। अब्राहम लिंकन इतने करेजियस नहीं थे, वो बहुत डरपोक स्वभाव के व्यक्ति, भयभीत हो जाते थे जल्दी। इसी तरह कमिटमेंट की बात, हिटलर ने जब ये ठान लिया, ये सोच लिया कि ये मैंने करना है, तो वो हिटलर ने करके दिखा दिया। वर्ल्ड वॉर टू करवा दिया, बोले मैं आज करूंगा। कमिटमेंट के अंदर उनको भी 10 में से आप 8 या 9 नंबर दे सकते, सहराम हिटलर को नहीं, वो स्कूल से भाग जाते थे। लेकिन जब नाम आता है उसमें अब्राहम लिंकन, अमेरिका का नाम आएगा अब्राहम लिंकन के अलावा आप किसी का नाम ले ही, एक प्रेसिडेंट अमेरिका में अब्राहम लिंकन, और जिस आइडियोलॉजी के ऊपर अमेरिका बना है वो एमर्सन की आइडियोलॉजी, ठीक है। अब्राहम लिंकन ने उसको उस आइडियोलॉजी के ऊपर चलते हुए साकार किया। अब्राहम लिंकन में तीसरा जो गुण था कंपैशन, उसमें आप उनको 10 में से 10 और हिटलर को आप 10 में से 2 या 0 नंबर, तो आपने देखा ही जो तीसरा सी है, आप कमिटेड हो, करेजियस हो, ब्रेव हो, सब कुछ हो, लेकिन आप में कंपैशन नहीं है। तो ये जो कंपैशन की बात है, ये कंपैशन लेने वाले नहीं होता, कंपैशन होता है कंपैशनेट कौन, जो देने वाला। तो आप बच्चों कंपैशनेट हो, इसीलिए ये क्या बात है, ठीक है। आप कि जैसे हिंदुस्तान फौज या किसी भी मुल्क की फौज होती है, उस फौजी के कंपनी में अगर फौजी पास खड़ा हो और हम वैसे इतने यंत्र से कमजोर हो, एक घोषणा करता है, घोषणा क्या होता है, मैं शेर जो जो सबने कही ना कि डॉक्टर से छीन लिया, ये वो इसलिए छीन लिया कि डॉक्टर वांछी हो, वो देने वाले को देने वाला बन गया कि देख रहे हो हॉस्पिटल्स विद ड्यू अपॉलॉजीज टू द डॉक्टर्स, लेकिन है ये। आप ब्लड डोनेशन की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर अभी प्रोफेसर राजवीर सिंह जो वाइस चांसलर है,
हमारे साहब के, वो बहुत मोटिवेटेड है। वो 24 घंटे में से वो 6-7 घंटे ही सोते हैं, जो बाकी टाइम है 2 घंटे निवृत्त होकर के बाकी 14 घंटे वो काम। जैसे सर ने बताया नेट का 1+ ग्रेड मिला आपके विश्वविद्यालय को, उससे उस मुकाम को हासिल करने के लिए प्रिंसिपल साहब ने आपको जैसे 1++ मिला, 1++ सर ने पूरी बात नहीं बताई आपको, जो 3.57 स्कोर है आपका, ये जितने भी क्वालिटी है हिंदुस्तान में उनमें सबसे ज्यादा है। छोटी उपलब्धि नहीं है, आप दिल्ली के कॉलेज से कंप्लीट करते हैं, दिल्ली में भी नॉर्थ कैंपस के कॉलेज से कंप्लीट करते हैं, नॉर्थ कैंपस में हंसराज कॉलेज है जहां 95% से कम नीचे बच्चों को एडमिशन ही नहीं मिलता, उसका भी स्कोर 3.52 है। इसी तरह आपका विश्वविद्यालय, उसका स्कोर है 3.44। हिंदुस्तान में जितने भी पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, आपकी यूनिवर्सिटी का स्कोर सबसे ज्यादा है। अब ये चीज आती किस चीज से है, इसमें करेंसी का कमिटमेंट भी थी और कंपैशन भी था, आप लोगों के द्वारा कंपैशन था, और मैं पूरे गर्व के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि जो नेट की टीम आई YRC कोऑर्डिनेटर होने के नाते प्रेजेंटेशन की, उनको दिखाया, वो नोट लिख रहे थे दिल्ली के अंदर, जैसे नोट लिखते ना सर जाते हैं नेट के इंस्पेक्शन में, इसीलिए 1++ आ गया सर को मालूम है कि कौन से पॉइंट्स मैंने मजबूत कर लिया। तो उन्होंने जब YRC की उपलब्धियां उनको दिला, उसके अंदर अग्रवाल कॉलेज से जो आहुति डाली हुई है उसका मुकाबला ही नहीं है। जो ट्रॉफी, अब जो दूसरे कॉलेज से काउंसलर आए हैं, अभी आप, मैं उनको बताता हूँ, मैं बिल्कुल फ्रेंकली बोलता हूँ कि जो सुभाष जी मेरे स्टूडेंट रहे हैं आपके साथ, तो मेरे को ये जो बोलना बोल सकता हूँ और अच्छा ही बोलता हूँ, बुरा तो नहीं। तो आपके कॉलेजेस, आपके कॉलेज को इमिटेट करने के लिए, देखने के लिए, वैल्यूज को इम्पायर करने के लिए जो दूसरे कॉलेजेस हैं जिनसे रिलेटेड, हम उनको बोलते हैं कि आप इनका मॉडल को जरा देखिए, इनके अचीवमेंट्स को देखिए, इनके कार्य प्रणाली को देखिए। और अब तो आपके कॉलेज में क्योंकि 1++ आ गया प्रिंसिपल साहब, तो काफी कॉलेज से आपको लोग परेशान करेंगे, आकर के पूछेंगे ये कैसे किया और वो काम से होता है। तो तब जो नैब के जो मेंबर थे उन्होंने डायरी में नोट करते हैं पॉइंट्स, शाम को इधर एनालाइज करेंगे, तो YRC के आगे बच्चों उन्होंने ना तो लिखा गुड, ना लिखा वैल्यू, ना प्लस, उन्होंने लिखा एक्सीलेंट। अबू में मैदम एक पोएम आप स्कूल में पढ़ी, अबू में मैदम में एंजल का एंजल वर्ड बैंक था, चलिए बी ए फर्स्ट ईयर में पोएम पढ़ी होगी आपने, ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम में मिल्टन जो पोएट है उसको लिखी है पोएम, उस पोएम में मिल्टन ही लूजेस हिज आई साइट, आपके आंखों की रोशनी चली जाती है, और उसके बाद वो यू बोलते हुए ईश्वर से नाराज हो गए कि मेरी आंखों की रोशनी चलेगी, अब मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा। तो ईश्वर उसको बोलता है कि देर आर थाउजेंड ऑफ एंजल्स पोस्टेड ओवर लैंड एंड ओशन, इतने एंजल्स हैं लैंड और ओशन के चारों तरफ फैले हैं वो सेवा करने के लिए,
मुझे सेवा की जरूरत नहीं, आपके मन में कंपैशन हो, सेवा का भाव हो। और उसकी लास्ट लाइन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके करियर में भी, दे ऑल्सो सर हु ओनली स्टैंड एंड वेट, कि जिनके मन में एक विश्वास है, मन में एक भाव है सेवा का भाव। और वाई आर सी वॉलंटियर्स, आप अपने अंदर ही देखिए, क्लीनलीनेस के लिए बोलते हैं क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉड। और जब आपने ये कैप पहनी, गॉगल स्कार्फ पहन करके आपने कॉन्फिडेंस, और वो जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, वो उस कॉन्फिडेंस के साथ आप बड़ी से बड़ी मुसीबतों को पार कर सकते। आज फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के सभी जो वॉलंटियर्स यहाँ बैठे हैं, मैं आप सभी को बेटा रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इस कमिंग सेशन में यूनिवर्सिटी में हम डिजास्टर मैनेजमेंट और इसके अलावा और नेचुरल जो कामतीज है उनके ऊपर कैंप लगाएंगे, जो प्राकृतिक विपदाएं आती हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए बड़े बड़े ट्रेनर्स को भी बुलाएंगे। और एक कोशिश है हमारी के नेशनल लेवल का एक कैंप लगाएं जो कि इंटर यूनिवर्सिटी लेवल का हो। आज तक कभी लगा नहीं है वो, लेकिन आपका सहयोग फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से खासतौर तौर पर अग्रवाल कॉलेज के टीचर थे प्रिंसिपल साहब, मैं इनको टर्न दे देता हूँ कि सर एक बहुत बड़ा फंक्शन है, हमको भागीदारी चाहिए, हम चंडीगढ़ से लेकर के और होटल अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ तक वो दिखाना चाहेंगे कि जो हमारा यूथ है वो मोटिवेटेड है, वो आगे की जा रहे हैं। और आपके स्कूल सर कभी कंप्लेन नहीं करते, ये कभी ग्रम्बल नहीं करते, ये क्वालिटी है इनकी। तो आपका बेटा ज्यादा टाइम ना लेकर के क्वाइट वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल। जैसे आईसीआई स्टेट बैंक की एक ऐड आती थी, आई एम इन सेफ हैंड्स, सो यू आर इन सेफ एंड सिक्योर हैंड्स। और आपकी सदाशयता, उदारता और सर्वव्यापकता का निश्चित रूप से प्रतिबिंब है जो आपने पढ़ा है साहित्य में, और साहित्य ही व्यक्ति की सोच को इतना उदार बना सकता है। और जयशंकर प्रसाद ने भी अपनी कविता में करुणा के विषय में लिखा था, जलति वसुधा सबसे नर, जलति वसुधा सबसे नर, जलजा मन करुणा की तरह, जलता है ये जीवन बदल। जीवन में बहुत मुश्किल है, जल रहा है जीवन पापों से, कष्टों से, रोगों से, तो किसकी जरूरत है। वो आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, और आभार कंपैशन यानी कि करुणा, दूसरों के प्रति प्रेम और सेवा का भाव, विदय से आभार व्यक्त करते हैं आपके उद्बोधन के लिए। और अब मैं गुजारिश करना चाहूंगी प्राचार्य महोदय जी से कि हमारे आज के माननीय अतिथि महोदय को स्थिति से भेज कर उनका विशेष सम्मान किया जाए। रेड क्रॉस के बैनर तले हरियाणा रेड क्रॉस चंडीगढ़ और यूथ रेड क्रॉस
विश्वविद्यालय रोहतक की अनुमति से आयोजित पांच दिवसीय जिला स्तरीय यूथ रेक्रोशन शिविर के आज उद्घाटन अवसर पर आमंत्रित मुख्य अतिथि प्रोफेसर गगनदीप सुराना जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथ ही स्वागत करता हूँ इस संसद का। निसंदेह आप सभी हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है और गगनदीप सुराना सर के बारे में बताना चाहूंगा कि मैंने प्रिंसिपल सर से फ्राइडे को डिस्कस किया था चीफ गेस्ट के लिए, रणदीप नाना सर के लिए डिस्कस हुआ, उसी समय सर के पास मेल भेजी गई थी, लगभग 3 बजे का समय था और जैसे ही सर के पास मेल गई और मेल जाने के बाद मैं अपने डिपार्टमेंट यूथ रेडक्रॉस पहुंचा भी नहीं था कि उसी समय कंफर्मेशन की मेल भी आ गई। सर आपका मैं बहुत तहरी से शुक्रगुजार हूँ आभारी हूँ रिप्लाई करने के लिए और ये साबित हो गया मेरे द्वारा इस एग्जाम्पल से कि जैसा प्रिंसिपल साहब ने भी बोला क्योंकि कमी और तकनी में कोई अंतर नहीं है। आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया उसके लिए एक बार फिर सर आपका बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं और एक विशेष रूप से और चर्चा करना चाहूंगा। आप दुर्भाग्यवश किसी बिजी शेड्यूल की वजह से अनुपस्थित रहे हमारे पिछले कैंप में जो कि अप्रैल के महीने में 8 से 12 अप्रैल को लगा था, मगर उसमें हमारे इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी नेशनल हेडक्वार्टर दिल्ली से श्री आर के जैन भी आए थे जो कि सेक्रेटरी जनरल महासचिव है, उनकी उपस्थिति में जो आमंत्रित अन्य गेस्ट ऑफ ऑनर थे उनमें विशेष रूप से हरियाणा रेडक्रॉस चंडीगढ़ से आए हुए वाइस चेयरमैन डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी और श्री डी आर शर्मा जी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने उस कैंप में 50,000 रुपये की घोषणा की थी और मैं ये बताना चाहूंगा कि प्राचार्य जी का सपना है कि पैसे का सदुपयोग हो, बच्चों का पैसा है सरकार का पैसा है वो बच्चों में खर्च होना चाहिए, उसी समय तय किया प्रिंसिपल साहब ने कि एक और कैंप लगाएंगे जैसे ही एग्जाम खत्म होंगे और आज ये दूसरा सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अंतर्गत आयोजित हो रहा है। सर आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो शिविर हम जो लगा रहे हैं सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अंतर्गत जो हम अपने खर्चे पर लगाते हैं, डिस्ट्रिक्ट रेडक्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद ने जो 1 लाख रुपये हमें हरियाणा रेडक्रॉस से मिलता है, फरवरी के महीने में डीएवी कॉलेज में ऑलरेडी कैंप लगा चुके हैं, उसके बावजूद भी हम जिला स्तर पे लेकिन हमने भी दो कैंप ये दूसरा कैंप है जो हम लगाए अपने खर्चे पे और ये परंपरा जो है पिछले साल से प्राचार्य महोदय जी ने शुरू की थी और हमारा प्रयास है कि बच्चों हर बच्चा जो वाईआरसी को ज्वाइन करता है उसको कैंप में जो विभिन्न एक्टिविटीज आयोजित होती हैं उसका अनुभव मिले, तो उसी उद्देश्य से हमारा प्रयास ज्यादा से ज्यादा कैंप लगाने का रहता है और हम आपने जो हमें स्वीकृति दी और कैंप के लिए अपना अनुमोदन दिया उसका हम फिर से आभार आपका करते हैं। सभी उपस्थित महानुभावों को यह भी बताना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी का एक कैलेंडर है, हमारी मीटिंग होती है एग्जीक्यूटिव कमेटी की, प्रिंसिपल साहब भी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर रहे हैं, तो उसमें कुछ पैरामीटर हैं जिसके तहत एक्टिविटीज हम लोग महाविद्यालय में सारे साल आयोजित करते हैं। मुख्य अतिथि जी को बताना चाहूंगा कि सर जो ये कैंप लगा रहा है आज 20 मई को ये हमारी सत्र की 53वीं एक्टिविटी है, 53। इसमें वो एक्टिविटी नहीं है जो सर हम अपने लेवल पे कॉलेज में आयोजित करते हैं, उनमें एथलेटिक मीट में हमारे बच्चे मार्च पास में भाग लेते हैं, अभी 12 मई को इलेक्शन था तो उसमें सारा वाईआरसी वॉलंटियर दिव्यांग बच्चों की सहायता के लिए विभिन्न बूथों में कलेक्ट करते हैं, ऐसी बहुत सारी न्यूमरस एक्टिविटीज है जो हम लोकल लेवल पर डिस्ट्रिक्ट रेस्टोरेंट या अपने महाविद्यालय स्तर पर आयोजित करते हैं, ये वो एक्टिविटीज है जो यूनिवर्सिटी कैलेंडर के हिसाब से जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। 53वीं एक्टिविटी है ये कैंप जो हमारे इस महाविद्यालय में आयोजित हुई है और जल्द ही सर इसकी भी रिपोर्ट मैं आपके पास भेजूंगा और आपने पूरी एक्टिविटी की रिपोर्ट भी मांगी हुई है, कैंप के खत्म होते ही होगी आपके पास पहुंच जाएगी। सर इस कैंप के बारे में बताना चाहूंगा कि सर 50 स्वयंसेवक इस कैंप में भाग ले रहे हैं और इसमें जो अभी तक हमारे को उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं वो अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ के अलावा अग्रवाल कॉलेज ऑफ एजुकेशन बल्लभगढ़, गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद और गवर्नमेंट कॉलेज खेड़ी बुजान के विद्यार्थी यहाँ उपस्थित है। उसके अलावा
जो है डीएवी कॉलेज के बच्चों का आज पेपर है, तो उनके काउंसलर से मेरी बात हो चुकी है, उनके 5 बजे कल पहुंचेंगे सर आप इसी व्यक्ति से। तो सर यानी स्टूडेंट का जो भी सपना है मानवता के प्रति, उसको साकार करने में हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध है सर हमारा मैनेजर है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अतिथि जी को कि उपार्जनों में जो हमारी एक्टिविटीज है वो सवेरे 9 बजे शुरू हो जाती है सर, योगा क्लासेस के आयोजन से सबने प्रिंसिपल सर ने शुरू की योगा एक्टिविटी। ये महाविद्यालय में जो है कैंप छठा है, मतलब मैं जो भी कैंपों की बात कर रहा हूँ जिला स्तर पे, जिला स्तर पे ये जो कैंप है ये तीसरा है जो सरकारी स्कीम के तहत है, मगर डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस के अनुमोदन से स्वीकृति से 3 कैंप सरकार ने भी लगाए हमारे महाविद्यालय में। तो पिछले 3 सत्र से लगातार हम जो है अपने महाविद्यालय में ये कैंप आयोजित कर रहे हैं, और जितने भी विषय हैं चाहे वो सर एमी जूनर का जीवन हो, रेड क्रॉस का इतिहास हो, उद्देश्य हो, स्वास्थ्य जागरूकता हो, सड़क सुरक्षा हो, मतदान हो, पर्यावरण सुरक्षा हो, जल संरक्षण हो, मोरल एथिक्स, टीबी पॉजिटिव एंड क्योर, उसके अलावा अवेयरनेस अबाउट एचआईवी एड्स और फर्स्ट एड होमर की ट्रेनिंग आदि हो, हम आपको विश्वास दिलाते हैं सर विभिन्न एक्सपर्ट के माध्यम से हम अपने स्वयंसेवकों को इसे पूरी तरह से अवगत कराएंगे। तो अंत में मैं पुनः मुख्य अतिथि प्रोफेसर रणदीप नाना जो कि प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है हमारी यूनिवर्सिटी यूथ रेड क्रॉस की, उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और हमारी वेदी पे आज हमारे बीच उपस्थित हुए प्रिंसिपल सर का, जिनके सहयोग से ये शिविर लगाने में सफल हुए हैं, अपने साथी प्रशिक्षक रेड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद से श्री रतन सिंह आजाद जी, श्री दर्शन भाटिया जी, मेरे साथी काउंसलर जो बैठे हैं डॉक्टर राजेंद्र जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी आप गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन बल्लभगढ़ और गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद से हैं, मेरे साथी स्वयंसेवक सुभाषी बल्लभगढ़ जी, और विशेष रूप से आभार स्टेट सेक्रेटरी मैडम के रघुनाथन जो कि हिंदी विभाग अध्यक्ष हैं, हर कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें पूरा सहयोग उनसे मिलता है, और मेरे उपस्थित सारे स्वयंसेवक और विशेष रूप से पीछे जो बैठे मेरे आदरणीय से जो यहाँ उपस्थित है हरियाणा की बॉक्सिंग की तरफ से जो वॉलंटियर भी यहाँ पे आए हुए हैं उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और और बच्चों आपने देखा त्रेपन में ये जो एक्टिविटी है यूं ही नहीं होता उजाला दिए से, यूं ही नहीं होता उजाला दिए से, उसमें रखी बाती सब को जगाती है तब कहीं जाकर उजाला होता है। तो ये जो एक लफ्ज आया है ये ऐसे ही कुछ नवरत्नों की बदौलत आया है, और ये उनमें सर्वश्रेष्ठ नवरत्न है कि बस उजाला कार्यक्रम को अब इस उद्घाटन सत्र को समाप्ति के वाले जाते हुए हम सब अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे, सावधान की मुद्रा है और आंखें बिल्कुल सामने नजरें नीचे करके राष्ट्रगान नहीं गाएंगे हम, आइए।